सिर्फ पूजा ही नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है कपूर। आपने पूजा में कपूर का प्रयोग अवश्य किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहद फायदेमंद है। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप कई बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षों से इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में होता आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कपूर के कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ। पेट के दर्द के लिए कपूर पेट के दर्द के लिए रामबाण दवा मानी जाती है। पेट दर्द होने या गैस की जलन होने पर कपूर, अजवाइन और पुदीने को शरबत में मिलाकर पीने से दर्द मिनटों में दूर हो जाता है। दस्त के लिए कपूर दस्त की समस्या से निपटने के लिए भी प्रभावी है। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ी मात्रा में कपूर, अजवाइन और पुदीने को धूप में रख दें। थोड़े थोड़े समय में इसे हिलाते रहें। जब कपूर पानी में अच्छी तरह घुल जाए तो इस घोल में कुछ बूंदे पानी की और मिलाकर हल्की चीनी मिलाएं और रोगी को पिलाएं। रूसी और बाल झड़ने की समस्या में अगर आप रूसी और बाल झड़ने से परेशान हैं, तो नारियल तेल में कपूर मिलाकर उसे हल्का गर्म कर बालों में मालिश करें। इसके अलावा बालों में लगातार कपूर का तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं। हालांकि कपूर का तेल लगाने के बाद उसे एक घंटे के अंदर अवश्य धो लेना चाहिए। तनाव या सरदर्द के लिए कपूर में एक हल्की महक होती है, जिस कारण से इसे कई सुगंधित तेलों में प्रयोग किया जाता है। तनाव या अवसाद से पीड़ित होने पर इसके तेल की मालिश तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाता है और आप मानसिक शांति महसूस करते हैं। खुजली, संक्रमण या अन्य त्वचा समस्याओं के लिए कपूर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इस कारण ये जहरीले कीड़े के काटने, खुजली, एक्जीमा जैसी अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभदायक साबित होता है। खुजली या त्वचा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से काफी लाभ मिलता है। कपूर और नारियल का तेल लगाने से स्किन पर जला हुआ निशान भी मिट जाता है। रूखी फटी एड़ियों के लिए पैरों को कपूर और पानी के मिश्रण में कुछ मिनटों तक डुबो कर रखें, फिर स्क्रब करें और धो लें। इससे एड़ियों पर जमी मृत त्वचा निकल जाती है, जो फटी एड़ियों की वजह होते हैं। दर्द से राहत के लिए जोड़ों के दर्द या गठिया रोग होने पर नारियल या सरसों के तेल में कपूर मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से राहत मिलती है। ये तरीका सीने में दर्द या छाती में जमी बलगम हटाने में भी काम आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्स और आयोडेक्स जैसे प्रोडक्ट्स में भी कपूर मिलाया जाता है। पेट में दर्द के लिए कपूर में थोड़ा अजवाइन और पुदीना मिलाकर पीना चाहिए। उपरोक्त फायदों के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान सूजन, गठिया, डायरिया आदि समस्याओं में भी कपूर का प्रयोग किया जा सकता है।